इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बार ऐसे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके द्वारा कर्नाटक राज्य से मंगवाई गई 35,000 किलो शक्कर के साथ एक ट्रक को चोरी कर लिया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ट्रक मालिक के भाई के द्वारा ये पूरी चोरी की घटना की साजिश रची गई थी, जिसने ड्राइवर को 5 लाख रुपए का लालच देकर अपने साथ मिलाया था, जिसके बाद उनके द्वारा कर्नाटक से इंदौर मंगाई गई इस 35,000 किलो शक्कर को चोरी कर अलग अलग स्थानों पर बेचना कबूल किया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा फरियादी रिजवान खान के द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए फरियादी रिजवान के भाई सहित परवेज सुल्तान, मोहिनुद्दीन और सद्दाम नामक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में एक सरवर शाह नामक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, कल थाना तेजाजी नगर के अंदर एक ट्रक ड्राइवर हमारे थाने के अंदर आता है। उसके द्वारा थाने पे सूचना की जाती है कि 35,000 किलो से चीनी से भरा हुआ उसका जो ट्रक है, उसको कोई लोग चुरा के ले गए हैं। तत्पश्चात चौकी और ट्रक ड्राइवर द्वारा ये बताया गया था कि वह ट्रक को खड़ा करके किसी टायर की दुकान पर टायर खरीदने गया था। उस दरमियान ये घटना घटी थी। थोड़ा हमको उसके पुलिस को थोड़ा उसके बयानों में विसंगति लगी, तो तत्पश्चात हमने इसको इन्वेस्टिगेट, शिकायत के आधार पर हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। दौरान इन्वेस्टिगेशन के हमको ये प्राप्त हुआ कि ये जो ट्रक का जो ओनर है, उसके द्वारा 35,000 किलो चीनी कर्नाटका से मंगाई जा रही थी। उसके पश्चात खरगोन में जब ये ट्रक वहाँ पे पहुँचता है, तो उसका जो ड्राइवर है, वो उसका स्वयं का जो भाई है, उसका वो उसका ड्राइवर बनता है और ट्रक को जहाँ पे भी इंदौर के अंदर डेस्टिनेशन पे डिलीवर करने के लिए ट्रक लेके आता है। तत्पश्चात जो ट्रक ड्राइवर था, उसके द्वारा CCTV फुटेज जब हमने चेक किए और जहाँ जहाँ पे माल डिलीवर हुआ, उन लोगों से जब हमने पूछताछ करी और जो माल हमको वहाँ से रिकवर हुआ, तो ये जो ट्रक ड्राइवर था, इसके द्वारा 5 लाख रुपए जो इनके बीच में समझौता हुआ था कि भाई इस पूरे ट्रक को हम चोरी कर लेंगे, उसके पश्चात माल को अपने हिसाब से ठिकाने लगा देंगे और सूचना चोरी की सूचना थाना पुलिस तेजाजी नगर को देंगे, तो 5 लाख रुपये का इनके बीच में तय हुआ था। तो इनके द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न जगहों पर, जैसे चंदन नगर में और ग्रामीण थाना क्षेत्र के धामनौद, वहाँ पे इन्होंने कुल 300 और 400 के आसपास बोरियाँ डिलीवर करी। सभी से हमने माल रिकवर किया पूछताछ करने उपरांत, तब जाके इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाया और इसके अंदर हमने मालिक, जो ट्रक के जो मालिक है, उनके उनसे FIR रजिस्टर करके सभी आरोपियों की हिरासत में लिया है। देखिए, हम इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हम चेक करवा रहे हैं। हाल फिलहाल हमें इनका भी कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, किंतु चेकिंग करवाने के पश्चात इसमें हम और बता पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली इसके अंदर जो हमारे पास, इन्होंने दो जगह, इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो चंदन नगर में एक व्यक्ति के पास इन्होंने 300 के आसपास चीनी की बोरियाँ बेची थी और एक धामनौद में, तो दोनों को हमारे द्वारा इसमें आरोपी बनाया गया। नहीं, चूँकि नहीं, जैसे कि इनके द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा घटनाक्रम 5 लाख रुपये को लेकर था कि भाई इसके अंदर इनके आपस में 5 लाख रुपये तय हुए थे कि भाई जो ट्रक ड्राइवर था, आप इसको अगर चोरी करवा देंगे तो आपको 5 लाख रुपये हम देंगे। ट्रक ड्राइवर ने अपना निजी वो कि भाई इसमें नॉर्मली तो इतनी ज़्यादा इनकम होती नहीं थी, तो 5 लाख रुपये की वजह उसने घटनाक्रम किया है। और इसमें जो स्वयं ही जो फरियादी और स्वयं ट्रक ओनर है जिसका माल इसमें चोरी हुआ था। देखिए, चूँकि जो मार्केट वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, 1 किलो शुगर की अगर आप देखेंगे तो, इन्होंने क्योंकि चोरी का बता के इन्होंने जो कस्टमर को इसी प्रकार से अट्रैक्ट किया करते थे कि अगर आप थोक में माल खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो आपको मानो कि 100 रुपये का मिलेगा, तो वही माल आपको 50 रुपये में दे देंगे। और जो इसका जो एक्चुअल मालिक था, चीनी का जो ट्रक ओनर था, उसको इन्होंने बताया कि भाई ये पूरा ट्रक चोरी हो गया, तो इस प्रकार से इन्होंने पूरा प्लान किया। देखिए, घटनाक्रम कल ही का है और थाना पुलिस तेजाजी नगर द्वारा पूरे घटनाक्रम को 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया गया है। अभी हम इनका PR लेके इसमें और विस्तृत, जैसे कि इनके और आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं, पूर्व में भी इन्होंने ऐसी घटना कहीं और कारित की है या नहीं, उसके विषय में जानकारी जुटाई है।
नहीं देखिए, व्यापारी लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से करते ही हैं, कहीं से माल मंगाते हैं, उसको फिर यहाँ पे जो उनके रिटेलर्स होते हैं उनको कुछ कुछ क्वांटिटी, जैसे कि सारा माल एक के पास नहीं जाके 10-15 रिटेलर्स के पास जाता, तो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इस प्रकार से करते ही हैं, ऐसे व्यापार होता भी है। लेकिन वैसा ना करके इन्होंने उसको बीच में पूरे प्रोसेस को सबोटाज किया और उसको चोरी का रूप देने का प्रयास किया, ताकि ये उस माल को सस्ते दामों पे अन्य लोगों को बेच सकें, ताकि इनको भी मुनाफा हो और चोरी और इनके ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए। देखिए, एक रिजवान करके व्यक्ति है उनका नाम, तो उनके द्वारा ही FIR इसमें फरियादी भी हुई है और उनके द्वारा ही FIR रजिस्टर कराई है। सर, क्या कोई गिरोह काम कर रहा है जो इस तरीके से बड़े पैमाने पर व्यापारियों का माल ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर गायब कर देता है? देखिए, इस प्रकार की शिकायतें पहले भी कई बार आई हैं, पहले भी कई प्रकरण पुलिस द्वारा इसमें कायम किए गए हैं और सफलतापूर्वक जिनकी तस्दीक भी की जा चुकी है, तो इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं। अब चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा घटनाक्रम हमारे द्वारा जो हमारी पहली प्राथमिकता थी वो पूरे घटनाक्रम का खुलासा करना था, अब इसके अंदर आरोपियों का PR लिया जाएगा, उसके पश्चात ये किस एक गिरोह के तौर पर अगर काम करते थे तो संगठित जो अपराध की हमारी नई धारा है उसके अंदर भी हम इसमें सेक्शन बढ़ाएंगे, तो सब PR के बाद विस्तृत पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा।